रामचरितमानस के बाद स्वामी प्रसाद मौर्य का एक और आइडिया अखिलेश को पसंद आ गया। वेरी गुड वाला अंदाज सिखा दिया। अखिलेश ने स्वामी की बात पर हामी भर दी। मायावती को जरूर गुस्सा आएगा। बीजेपी यही कहेगी, सोचा था क्या, हो क्या गया। स्वामी ने अखिलेश को जरूर कहा होगा, बीएसपी से जो कद्दावर आए हैं उन्हें अपने मिशन पर लगाने का वक्त आ गया। अभी बीएसपी में रहे स्वामी प्रसाद मौर्य ने अब एक और आइडिया सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव को दिया है, जो अगर हिट हो गया तो 2024 की लड़ाई में अखिलेश की सारी रणनीति फिट हो जाएगी। अगर स्वामी का आइडिया काम कर गया तो मायावती को 2022 से ज्यादा जबरदस्त झटका लग सकता है। बीएसपी की रणनीति फेल हो सकती है। बीजेपी के रणनीतिकार सोच में पड़ जाएंगे, सोचा था अब क्या कर रहा है। स्वामी प्रसाद मौर्य ने अपनी राजनीति के साथ खेल कर दिया। जी हाँ, स्वामी ने अखिलेश को आइडिया ही ऐसा दिया है, शायद अपने तरीके से कन्विंस कर दिया होगा। इस रास्ते पर चलने का वक्त आ गया। सपा को अपनी राजनीति की जमीन को और मजबूत करने के लिए ऐसा प्रयास तो जरूर करना चाहिए। और अखिलेश ने भी हामी भर दी है। सुनाएंगे आपको अखिलेश ने स्वामी प्रसाद मौर्य की ओर से दिए गए आइडिया पर क्या जवाब दिया, लेकिन उससे पहले जान लीजिए इस पर काम शुरू हो चुका है। स्वामी प्रसाद मौर्य, इंद्रजीत सरोज, राम अचल राजभर, आर के चौधरी, लालजी वर्मा, त्रिभुवन दत्त, डॉक्टर महेश वर्मा जैसे दिग्गज अखिलेश की राजनीति को मजबूत बनाने के लिए अपनी सियासी रणनीति में तल्लीनता से लग चुके हैं। ये जितने भी नाम गिनाए इनके राजनीतिक करियर में कुछ बातें कॉमन हैं। पहली समानता ये जितने भी नेता हैं ये कभी न कभी बीएसपी में रह चुके हैं। दूसरी बात जो कॉमन है, ये सारे कांसीराम के सियासी प्रयोगशाला से निकले हैं। यही वजह है कि अंबेडकरवादी विचारधारा वाले इन नेताओं को अखिलेश पहले से अपनी पार्टी में राजनीतिक अहमियत दे रहे हैं। अब कांशीराम से सियासत का हुनर सीखने वाले नेताओं के साथ साथ कांशीराम को भी अखिलेश अपनाने जा रहे हैं, जो मायावती की राजनीति के लिए तो सबसे बड़ा खतरा है। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव बीएसपी संस्थापक कांशीराम की विरासत पर अपना दावा ठोकेंगे। वो 3 अप्रैल को रायबरेली में कांशीराम की मूर्ति का अनावरण करेंगे। इस अभियान के जरिए सपा मुखिया दलितों के वोट अपनी ओर सहेजने के अभियान में लगने जा रहे हैं। लगाने के इस अभियान के पीछे महासचिव स्वामी प्रसाद मौर्य हैं। उन्होंने लंबे समय तक कांशीराम के साथ काम किया। एक वक्त था मुलायम सिंह यादव ने बीजेपी को रोकने के लिए कांशीराम से दोस्ती का हाथ मिलाया। इसके लिए इटावा लोकसभा चुनाव में बीएसपी संस्थापक को जिताने में मुलायम सिंह यादव ने खासी मदद की। मुलायम और कांशीराम के चुनावी गठजोड़ के चलते बीजेपी 1993 के विधानसभा चुनाव में सत्ता से बाहर हो गई और सपा बसपा ने मिलकर सरकार बनाई। यह अलग बात है कि दोस्ती ज्यादा नहीं चली। बाद में अखिलेश यादव ने बसपा सुप्रीमो मायावती के साथ पिछले लोकसभा चुनाव गठजोड़ किया। चुनाव नतीजों के बाद दोनों की राह अलग हो गई। अब सपा बिना बसपा को साथ लिए उनके संस्थापक का सम्मान कर दलित वोट अपने पक्ष में करने की कोशिश में है। इस काम में बीएसपी से आए कई दलित नेता मदद करने में लगाए गए हैं। अब अखिलेश यादव भी कह रहे हैं, हम जरूर कांशीराम और मुलायम की सियासी दोस्ती को याद करेंगे। नेताजी ने और माननीय कांशीराम जी ने दोनों मिलकर के इटावा में एक रणनीति बना करके और एक नई सियासत को जन्म दिया था। माननीय कांशीराम जी बहुत चुनाव लड़े थे लेकिन लोकसभा नहीं पहुंच पा गए। नेताजी की रणनीति की वजह से माननीय कांशीराम जी लोकसभा में पहुंचे और बहुजन समाज को एक नई दिशा राजनीति को नेताजी ने दी थी। तो इसलिए मैं उनको बधाई देना चाहता हूँ जिन लोगों ने माननीय कांशीराम जी की प्रतिमा को लगाया है। मैं उसके अनावरण में जा रहा हूँ। उत्तर प्रदेश में कभी दलितों से दूरी के साथ पिछड़ों की राजनीति पर सबको झोंकने वाली समाजवादी पार्टी की सियासी रणनीति अब बदलती दिख रही है। यूपी में 2 लोकसभा और 2 विधानसभा चुनाव में बड़ी हार झेलने वाले सपा प्रमुख अखिलेश यादव अब नया सियासी समीकरण तलाश रहे हैं, जिससे बीजेपी के हिंदुत्व के तिलिस्म को तोड़ा जा सके। यही वजह है कि कभी दलित विरोधी कही जाने वाली सपा अब यूपी में दलित राजनीति के संस्थापक कहे जाने वाले कांशीराम को गले लगाने जा रही है। सपा प्रमुख अखिलेश यादव 3 अप्रैल को रायबरेली के दीन शाह गौरा ब्लॉक में स्थित कांशीराम महाविद्यालय में बसपा के संस्थापक कांशीराम की प्रतिमा का अनावरण करेंगे। सपा के राष्ट्रीय महासचिव स्वामी प्रसाद मौर्य इस कार्यक्रम को आयोजित कर रहे हैं, जहां अखिलेश कांशीराम की मूर्ति का अनावरण के साथ साथ बड़ी जनसभा को संबोधित करेंगे। तो क्या माना जाए, अखिलेश यादव ने लोहिया के साथ साथ अम्बेडकर की सियासत को भी अपना लिया। क्या अब अपने पिता मुलायम सिंह यादव के सियासी दांव में बसपा संस्थापक कांशीराम के दांव से तालमेल करेंगे, यह अब दिखने भी लगा है। सपा ने बाबा साहब वाहिनी का जहां गठन किया तो सपा के कार्यक्रमों और मंचों पर अंबेडकर की तस्वीर साफ दिखाई देती है। ऐसे में अंबेडकरवादी सियासत पर सपा पूरी तरह से अपना दावा मजबूत कर रही है।